बनाया छाल बुड़ी। हेलो एवरीवन, सो स्वागत है आप सभी का मेरी इस छोटी सी दुनिया में। तो क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ठंडी आ गई है, इसलिए आया है एक छोटा सा फरमान मम्मी की तरफ से कि मैं अदरक वाली चाय बनाऊं और छालमुड़ी। तो शाम हो रही है और मैं अभी जा रही हूँ अदरक वाली चाय बनाने और छालमुड़ी बनाने। देखते हैं लोगों को पसंद आता है या नहीं। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने क्योंकि अदरक वाली चाय इज लाइक लव, मतलब मेरी फेवरेट है। तो मैं अभी मिला रही हूँ चाय पत्ती, और इससे पहले मैंने मिला दिया था अदरक मिला दिया था, और अब मैं यहाँ पर मिला रही हूँ चाय। तो इसके बाद मैं इसे खोलने के लिए छोड़ दूँ। जब तक ये चाय खोल रहा है तब तक मैं जा रही हूँ बनाने छालमुड़ी। तो मैं जा रही हूँ प्याज टमाटर सब कुछ काटने। हाँ, अभी डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर काट रही हूँ, और घर पे बांग्ला सीरियल भी चल रहा है, तो बांग्ला सीरियल की आवाज़ आ रही होगी आपको। यहाँ पर प्याज टमाटर मैंने सब कुछ काट लिया है, और मिर्ची भी काटना हो गया, बस धनिया पत्ती काटना बचा होगा। फाइनली ये हमारा चाय बनकर बिल्कुल रेडी है। जा रही हूँ सबको चाय दे देने के लिए। यहाँ पर सब कोई बैठे हुए हैं। ये रहे पापा। पापा चाय। पापा ने तो बोल दिया यहाँ पर रख देने के लिए, यहाँ पर रख देती हूँ पापा की चाय। अब जा रही हूँ मैं मम्मी के पास। माते चाय ले लो। भाई अलग रूम में बैठा हुआ है, तो वहां पर मुझे जाना पड़ेगा। ये देखो इसके नाटक। यार इसका नाटक खत्म ही नहीं होता है। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। अच्छी बनी है चाय, अदरक वाली। अब कोई और तो कैमरे के सामने आके रिव्यू देने वाला नहीं है मेरे लिए, तो मैं खुद का रिव्यू खुद ही दे देती हूँ। थोड़ी मीठी हो गई है, मुझे कम मीठी चाय पसंद है। अभी मैं ऐसे व्लॉग बना रही हूँ ना, तो मुझे याद आ गया वो यूट्यूब में एक वीडियो वायरल हुआ था, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। ये लो फ्रेंड्स, चाय दिख भी नहीं रहा। मैंने अब यहाँ पर सारी की सारी चीजें काट ली हैं, ये कंप्लीट हो गया है, और मैं जा रही हूँ इसमें मुड़ी मिलाने। तो यहाँ ये झाल मुड़ी बनकर तैयार हो गया है। अभी मुझे मिक्स करना है, और मैं मम्मी को बुला ले रही हूँ ताकि मम्मी सबको परोस दे, क्योंकि ये काम ना मैं हमेशा मम्मी पे छोड़ देती हूँ कि मम्मी करेगी ये काम। अरे नहीं ने अभी भाई बहुत ज्यादा सोचने के बाद एक सबसे ज्यादा जिसमें दिख रहा था उसको उठा लिया उसने। बताओ बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा, ट्रेन वाला। ट्रेन वाला जैसा, जैसे ट्रेन में मिलता है। अरे वाह, तब तो हम इसका बिजनेस खोल सकते हैं। से भी पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा हो नहीं रहा है, जॉब तो कहीं पर मिलता नहीं है, तो झालमुड़ी का ही बिजनेस खोल लेते हैं। हाँ मम्मी मेरे बालों को बांध दे रही है, कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी इतने जोर से मेरे बालों को खींच रही थी ना कि मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी मम्मी को, क्योंकि अगर कुछ बोलती तो फिर मम्मी बोलती हाँ बाल तो बांधना है नहीं तुम्हें, हमेशा ऐसे ही रहना है, बिना बाल बांधे घूमती रहती हो, राजू बन जाओगी, राजू वो छोटा भीम वाली राजू, दो बाल बचेंगे सिर्फ तुम्हारे सर पे। इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, और ऐसे ही मम्मी मेरे बालों को बांध रही थी बस। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर मेरी ये छोटी सी दुनिया आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और पहले तो मैं बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ आप सभी को आपके सपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरे 650 प्लस सब्सक्राइबर करवा दिए, वो भी बहुत कम दिनों में आपने, तो बहुत सारा थैंक यू। और वीडियो खत्म होने से पहले कमेंट करके जाना मत भूलना, बिना कमेंट किए तो जाने के बारे में सोचना भी मत। सो आज का ये ब्लॉग यही खत्म होता है।